हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय में जो एलडीसी वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर लेके हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में मार्क्स या अंक अपने को किस आधार पे मिलेंगे, किस फॉर्मूले पे मिलेंगे, उस फॉर्मूले का अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आप तक लेटेस्ट वीडियो और नए अपडेट्स पहुँचा सकें। तो हम बढ़ते हैं उस फॉर्मूले की तरफ। दोस्तों, विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट इस फॉर्मूले पर आधारित होगा। जो फॉर्मूला है 20/8000 इंटू नेट स्पीड। नेट स्पीड दोस्तों वो होगी जो आपकी ग्रॉस स्पीड में से जो एरर होगी, जो आपकी त्रुटियां होती हैं उनको घटाने के बाद नेट स्पीड आती है, वो नेट स्पीड पर ओवर में कैलकुलेट होगी। वो पर ओवर कैलकुलेट मिनिमम आपकी 8000 डिप्रेशन होंगे तभी जाके आपको मिनिमम 20 मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो मिल पाएगा। तो ये फॉर्मूला मेन है। अगर हम इसको मिनट में बात करें, न्यूनतम 20 अंक और 20 अंक लाने हैं तो न्यूनतम स्पीड कम से कम 27 वर्ड पर मिनट या WPM को वर्ड पर मिनट कहते हैं या फिर 8000 की डिप्रेशन पर ओवर होनी चाहिए। ये है मिनिमम के लिए। दोस्तों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कट ऑफ का, अगर उससे ऊपर आपकी कट ऑफ है तो आप जरूर टाइपिंग स्टार्ट कर दें। और इसमें जो मिनिमम 27 वर्ड पर मिनट है या फिर 8000 की डिप्रेशन है, इसको आप इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम आने पर आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाओगे। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 60 वर्ड पर मिनट अप्रोक्स है, ये एग्जैक्ट नहीं है। और पर ओवर में बात करें तो 20000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए, तब जाके आपको मैक्सिमम 50 अंक मिलेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। बहुत से लोग पूछते हैं मुझे, सर ये नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड क्या होती है? तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। नेट स्पीड टाइपिंग में हुई त्रुटि को अलग निकालने के बाद की स्पीड को कहते हैं। इन द सेंस ये है कि आपने एक मिनट तक टाइप किया और आपने टोटल मान लो 30 वर्ड टाइप कर लिए, तो वो आपकी ग्रॉस स्पीड है। लेकिन आपने 30 वर्ड में मान लो आपने 3 वर्ड रॉन्ग टाइप कर दिए, तो 3 वर्ड जो रॉन्ग हुए वो ग्रॉस स्पीड में से घट जाएंगे, तो 27 रह जाएगी, 27 आपकी नेट स्पीड बनेगी। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है। और जनरली बात बता रहा हूँ, फिक्स नहीं कह रहा हूँ। अगर किसी की एरर नहीं हो, बिल्कुल जीरो एरर हो, तो ग्रॉस और नेट दोनों बराबर ही होगी स्पीड। लेकिन जनरली एक आधी त्रुटि हो ही जाती है तो नेट स्पीड कम होती है ग्रॉस स्पीड से। और दोस्तों, टाइपिंग बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही आती है, क्योंकि कहा हुआ है करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहें हमेशा। और हिंदी और इंग्लिश की जहाँ तक बात है, ये दोस्तों एक लैंग्वेज में ही होगी दोनों में से एक, क्योंकि 2016 में जो भर्ती हुई थी हाईकोर्ट की उनमें से ऑप्शन दिया था। तो उस बेस पे अगर देखा जाए तो भी एक लैंग्वेज ही पूछी जाएगी। या फिर हम ऐसे कहें कि भाई हिंदी या इंग्लिश देंगे तो सर हिंदी में कौन टाइप करेगा? हिंदी में टाइप करने वाले बहुत हैं, जो कोर्ट में बैठते हैं लोग, या फिर जो टाइपराइटर जो टाइपिस्ट का काम करते हैं तो उनकी हिंदी में अच्छी स्पीड आती है। इसीलिए ऑप्शनल देते हैं, हिंदी या इंग्लिश कोई भी कर पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।